है क्या हाल चाल लोनो, सब बढ़िया और मस्त, आगे बढ़िया और मस्त रहना। तो हम लोग जो बात करेंगे हमारे न्यू कोलेबोरेशन को लेकर, जो आपको देखने को मिलेगा COVID-32 अपडेट के बाद, बहुत बड़ा कोलेबोरेशन है। कोलेबोरेशन में बहुत ही सही से कॉस्ट्यूम्स आने वाले हैं, तो आपको सब कुछ मालूम चलेगा इस वीडियो में। और आप लोगों को मालूम ही हमारा COVID-32 न्यू कैरेक्टर थाला। तो भाई थाला पता है कौन है? नहीं पता है ना, वीडियो पूरा लास्ट देखो, आपको पता जब चलेगा ना खुश हो जाओगे। तो हाँ, वीडियो को बिना स्किप के देखो, आपको मालूम चल जाएगा हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर थाला के बारे में। एंड इसके अलावा और भी अपडेट्स हमारे एडवांस सर्वर से, वो सब आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को भी जबरदस्त होने वाला, बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट देखो, कुछ मालूम चल जाएगा। नया आ रहे हो, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो फ्रेंड के साथ, वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो आप लोगों को आज रात 12 बजे देखने को मिल जाएगा फ्री फायर का न्यू इवेंट, जिसके बारे में मैंने आपको करीब 8-10 दिन पहले ही बता दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट किया तो आप लोगों को मालूम होगा, पर नहीं मालूम है तो ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। एंड आज रात 12 बजे देखने को मिलेगा आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर पार्टी करके न्यू इवेंट कैलेंडर। उधर बहुत सारे गन बॉक्स, गन स्किन्स देखने को मिलेंगे, तो इवेंट को कम्प्लीट करना एंड गन बॉक्स, गन स्किन जो भी देखने को मिल रहा है आप लोगों को सब क्लेम करना। तो आज रात 12 बजे से वाला इवेंट आप लोग हमारे गेम में देखने को मिल जाएगा। और तो आप लोगों के डिमांड पे हमारे गिल्ड बन चुका है एंड गिल्ड लेवल 2 भी हो चुका है। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन करो, और लिमिटेड सोलोट है तो हाँ फटाक से ज्वाइन कर लो। आपके स्क्रीन में शो हो रहा हो गिल्ड आईडी, तो आओ रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपका रिक्वेस्ट कर लूंगा एंड गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ, साथ में खेलेंगे, मजे करेंगे। तो जिन्होंने भी गिल्ड ज्वाइन नहीं किया फटाक से ज्वाइन करो। और तो मैंने आप लोगों को बोला था FFPL के रिलेटेड, जिधर मैंने बोला था मैं अपना टीम बनाऊंगा तो आपको साथ शेयर करूंगा, तो मैंने अपना टीम अभी तक नहीं बनाया है। मैंने कल अपना टीम नहीं बनाया था, ना ही आज बनाया हूं। मैं अपना टीम कल बनाऊंगा और कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा टीम में कौन कौन मैंने चुना है और कैसा है मेरा टीम। तो कुछ खास तो रिवॉर्ड नहीं थे कल के, ना ही आज के हैं। तो इसके बाद और दो मैच है, उनके भी कुछ खास रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके बाद जो दो मैच होंगे ना, जिसमें सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले, वो काफी जबरदस्त उनके रिवॉर्ड है। तो उन सब मैं अपना टीम बनाकर आप लोगों को जरूर शेयर करके बताऊंगा, कल वाले वीडियो में बता दूंगा। तो नेक्स्ट चारों मैच के मैं टीम बना लूंगा, आप लोगों कल ही शेयर कर दूंगा। एंड वो रिडीम कोड आता है ना, यहाँ आप लोगों को मालूम है यहाँ रिडीम करने का सेक्शन दिया गया। अगर इसके रिलेटेड कोई रिडीम कोड आता है, कल तो आया था, मैंने रिडीम भी किया पर कल वीडियो अपलोड नहीं किया, आप लोगों को बता नहीं पाया, सॉरी। पर अगर कोई रिडीम कोड आ जाता है ना, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाओ, आप लोग चेकआउट करो, अगर कोई रिडीम कोड आया हुआ है तो मैं उधर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो नहीं आएगा तो नहीं पिन करूंगा, आ गया तो मैं 100% पिन कर दूंगा। तो उस कोड को लेकर इधर आप लोग यहाँ के पेस्ट करना और रिडीम कर लेना, आपका रिडीम हो जाएगा। एंड ये रिडीम कोड आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा पॉइंट, जिसको आप यूज करके ना, जब आप यहाँ टीम बनाओगे, अगर आप उसको यूज किए रहोगे तो आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लो आपका 50 पॉइंट है आपने जिस टीम को क्रिएट किया उससे, तो इधर से एक्स्ट्रा पॉइंट बोनस पॉइंट का अगर यूज किए रहेगा तो आपका 60-70 हो जाएगा, उस तरह से यूज रहेगा। तो इस जो पॉइंट वाला जो आपको मिलेगा रिडीम कोड के थ्रू पॉइंट देखने को मिलेगा, तो उसको यूज मत करना, मैं बोलूंगा पॉइंट कार्ड को, उसको बचा कर रखना, सेमीफिनाले और फाइनल के दिन ही उस कोड को यूज करना एंड ज्यादा ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करना। अगर आप लोगों का लक अच्छा रहा तो कॉस्ट्यूम भी जीत सकते हो उससे। तो सेमीफिनाले और फाइनल के दिन ही जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, और बाकी कॉस्ट्यूम जो कुछ स्टट्टी से हैं एकदम। तो मैं उन्हीं टाइम आप यूज करना एक्स्ट्रा पॉइंट वाले कार्ड को, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलेगा आप लोगों को रिडीम कोड के थ्रू, तो रिडीम कोड आएगा तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चेकआउट करो, अगर रिडीम कोड देखने को मिलता है तो उसको क्लेम कर लो, उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलेगा और उसका यूज करना सेमीफिनाले और फाइनल के टाइम, ठीक है। जिन्होंने टीम बनाया उनके लिए तो सही, आप मुझे कमेंट बताओ आपने जीता नहीं जीता कल, एंड आज वो टीम कौन सा है और आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे आज का कमेंट में जरूर बताना। और मैं अपना टीम कल बनाऊंगा, अपने साथ कल 100% शेयर कर दूंगा मेरा टीम से, मैं कौन कौन से बंदे हैं, कैसा टीम है मेरा, ठीक है। और हमारे एडवांस सर्वर से एक वीडियो निकल गया, जिधर आप लोग देख सकते हो 3 शूटर गेम प्ले निकल आ चुका है। देख सकते हो भाई 3 शूटर कंफर्म हो चुका है, मैंने आपको काफी पहले बता दिया था, फोटो निकल गया था उस टाइम, पर अभी वीडियो निकल आ चुका है। स्क्रीन में देख सकते हो 3 गोली निकल रही है और काफी जबरदस्त चल रही है। तो हाँ, अभी आप लोगों को अपडेट के बाद 2 शूटर 3 शूटर हो जाएगा एंड 3 गोली निकलेगी इस गन से। तो ये आप लोगों को अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा न्यू फीचर, तो ये होगा हमारा M17X एंड चला के मजे करना सबको। तो अपडेट के बाद आप लोगों को 2 शूटर 3 शूटर हो जाएगा और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो इवो स्कार है वो कंफर्म हो चुका है हमारे गेम रिटर्न को लेकर। आपको 7 से 8 दिन के अंदर हमारे गेम में इवो स्कार रिटर्न देखने को मिल जाएगा फेयरड्यूल में। तो जिनको भी निकालना इवो स्कार, अभी से जाके विकनी मार लो, 8 दिन के अंदर हमारे गेम में 100% इवो स्कार फेयरड्यूल आ जाएगा, और जिसको निकालना है निकाल लेना। तो जिनको भी वेट था इवो स्कार का, कंफर्म मैं बता रहा हूँ, 8 दिन के अंदर हमारे गेम में स्कार देखने को मिल जाए आप लोगों को। तो निकालना है तो डायमंड वगैरह ठक कर लो। और एक चीज आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारा OB31 और साइड में OB32 का दिखाया जा रहा है। तो हमारा जो अभी इमोट है OB31 में, आपको ये वाला इमोट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, पर OB32 के बाद आपको यही वाला इमोट कुछ इस तरीके से अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक दो इमोट और भी आपको OB32 के बाद अपग्रेड देखने को मिले। तो इससे सोचना मत कि ये न्यू इमोट है, बस ये थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा है इमोट को, जैसे कि हर एक चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करते फिर टाइम के साथ, तो इस तरीके से इमोट को भी थोड़ा अपग्रेड कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा और जो भी है। पर हाँ, ये आपको अपडेट कुछ तरीके से ये इमोट हमारा देखने को मिलेगा। तो जिनके पास ये इमोट है, यूज करना, थोड़ा सा अपने न्यू लगेगा देखने में।
में। तो हाँ, कुछ तरीके से आप लोगों को अपडेट के बाद न्यू चेंज देखने को मिल जाएगा। और तो आप लोगों को मालूम है हमारा OB32 में एक न्यू कैरेक्टर आ रहा है, उसका नाम थाला है। मैंने आप लोगों को काफी पहले बताया हुआ है इसके बारे में, पर अभी ऐसा अपडेट निकल कर रहा है जो हमारा थाला है ना, वो कैरेक्टर हमारा MS धोनी रहने वाला है, जो हमारा चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट प्लेयर बताया जा रहा है। तो मेरे को लगता है चेन्नई सुपर के साथ कोलैबोरेशन हुआ है फ्री फायर का, जिस तरह आप लोगों को चेन्नई सुपर का जो कैप्टन है MS धोनी, उसी को लाया जा रहा है न्यू कैरेक्टर करके। तो न्यू कैरेक्टर क्या एबिलिटी होने वाला अभी तक तो नहीं मालूम, पर ये कंफर्म बताया जा रहा है कि आपको OB32 के बाद MS धोनी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, उसी का नाम थाला रहने वाला है। तो भाई अगर ये होता है ना, सच में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है MS धोनी का, आप लोगों को मालूम ही है, और चेन्नई सुपर किंग का तो एक अलग ही लेवल का फैन फॉलोइंग है। तो अगर ये सच्ची में होता है ना, तो मजे आएंगे भाई, मजे आएंगे। जितना ज्यादा हमारा क्रेज है ना फ्री फायर के अंदर आलोक के लेकर, उसी तरीके से क्रेज देखने को मिलेगा आप लोगों को MS धोनी को लेकर। अगर इसका अच्छा एबिलिटी दे दिया ना गिरना ने, तो भाई फाड़ देगा सारे कैरेक्टर में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर हमारा MS धोनी ही बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग ले लो भाई, देख लेना। जैसे ही इस कैरेक्टर का वीडियो रिव्यू फोटोज कुछ भी निकल के आएगा ना, हम लोग साथ शेयर करूंगा। बस अभी टाटा मैनेस ने ये बताया है कि MS धोनी होने वाला है, तो टाटा मैनेस ने बोल दिया मतलब कंफर्म, आप लोग देख लेना MS धोनी होगा। जैसे इसका फोटो वीडियो निकल आएगा, मैं साथ जरूर शेयर करूंगा। एडवांस निकल आ चुका, पर अभी तक फोटो एंड वीडियो क्यों नहीं निकल आ रहा मुझे कंफर्म नहीं पता, पर लगता है बहुत जल्दी निकल आ जाएगा। तो जैसे निकल गया मैं साथ शेयर करूंगा। हाँ, अपडेट के बाद आप लोग न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा MS धोनी, इसका नाम रहने वाला है थाला। तो अब हम देख लेते हैं हमारे जो न्यू कोलैबोरेशन होने वाला है फ्री फायर का OB32 अपडेट के बाद, वो रहने वाला है फ्री फायर एक्स असैसिन क्रीड, कंफर्म हो चुका है। क्योंकि कंफर्मेशन निकल गया रहा, आप लोग एक फोटो देख रहे स्क्रीन में, जो हमारा OB32 अपडेट के बाद लोभी का फोटो निकल गया है, ये कंफर्म हमारा लोभी का ही फोटो है। एंड इधर पीछे देख सकते हैं स्टैचू बना हुआ है, ये स्टैचू को देखकर बताया जा रहा है हमारा फ्री फायर एक्स असैसिन क्रीड होने वाला है, जिधर आप लोगों को बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे। एंड मैंने गूगल में जाकर सर्च किया तो इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स निकल गए हैं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ कॉस्ट्यूम्स के फोटोज। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा फ्री फायर का, जिधर आप लोगों को ये जो मैं बता रहा था पिछले वीडियो में CD करके, जिधर हमारा कोबरा 2.0 इवेंट का मैं बता रहा था, पर नहीं भाई, ये असैसिन क्रीड का कॉस्ट्यूम्स रहने वाले, जो आपको OB32 अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। एंड मैंने पूरे सारे कॉस्ट्यूम्स के आपको फोटोज दिखाए थे ना, उन कॉस्ट्यूम में भी आप देख सकते हो कुछ कुछ कैप वाले कॉस्ट्यूम्स है, तो ये कैप वाले कॉस्ट्यूम आपको असैसिन क्रीड कोलैबोरेशन में देखने को मिलेगा कॉस्ट्यूम्स, बताया जा रहा है अभी डाटा माइनर्स की तरफ से। एंड अभी और भी कॉस्ट्यूम्स निकलना बाकी है असैसिन क्रीड के रिलेटेड, तो उन कॉस्ट्यूम जैसे निकल गए मैं जरूर शेयर करूंगा। और अभी तो फोटोज वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाया कुछ कुछ कॉस्ट्यूम के, इन कॉस्ट्यूम्स का वीडियो भी निकल के आएगा, मैं अक्सर शेयर कर दूंगा जैसे निकल के आ जाएगा। और कोलैबोरेशन आप लोगों को मालूम है अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स ही लाता है गैरना, तो कन्फर्म ये कोलैबोरेशन तो होगा फ्री फायर का, एंड ये कोलैबोरेशन आपको अच्छे खासे कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा, आप लोग डायमंड वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि इधर जितने भी कॉस्ट्यूम्स आएंगे सारे कैप वाले कॉस्ट्यूम्स होंगे, असैसिन वाले कॉस्ट्यूम्स आप लोगों को मालूम है कितने सही होते हैं। तो आप लोग गूगल में सर्च करो असैसिन क्रिएट करके, उधर आप लोग कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे, एंड आप लोग रेडी हो जाओगे हमारे इस कोलैबोरेशन के लिए। एंड ये कोलैबोरेशन के रिलेटेड जैसे ही और भी फोटोज वीडियोस जैसे निकल कर आएगा हमारे साथ शेयर करूंगा। तो कुछ दिन और वेट कर लो, आप लोगों को सब कुछ मालूम चल जाएगा। वीडियो अभी तक देख रहे हो, एक लाइक कर दो प्लीज, अपने फ्रेंड साथ शेयर करो वीडियो को। अगर आपने अभी तक गिल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर लो, एंड आपके स्क्रीन में शो हो रहा ना इसको क्लिक करो और मजे करो।